morning, student. Today we are going to study about the drainage system of India. In this chapter we will learn the different basin, about the different basin such as Indus river basin, Ganga river basin, Brahmaputra river basins, and some of the peninsular river. Okay, so these all we are going to study in this topic. Okay, this is the lecture for class 9. Okay, this is the lecture for the class 9. My dear students, when we look at the drainage system, these words are very familiar to us. For example, always we say कि जो cities है, जो इस शहर का drainage system अच्छा नहीं है, इस शहर का drainage system अच्छा है. अब ये drainage system कहने का मतलब क्या है? ठीक है, तो हम लोग किसी सिटी के drainage system को नहीं study करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? पूरे होल इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को स्टडी करेंगे, और इस स्टडी में हम लोग का जो फोकस होगा डिफरेंट रिवर सिस्टम पे होगा. ठीक है, तो द टर्म ड्रेनेज सिस्टम डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एरिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल गंगा फ्लो कर रही है, गंगा इज वन ऑफ द मेन रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है, तो गंगा फ्लो कर रही है, उसके साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं. ये सारे ट्रिब्यूटरीज प्लस डिस्ट्रीब्यूटरीज प्लस मेन रिवर गंगा, उसका जिस एरिया तक फैलाव होगा उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा बेसिन बोलते हैं. और वही चीज क्या है? ड्रेनेज है. किसका? गंगा का. ठीक है, स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म मेन रिवर व्हिच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक्स और सी और ओशन. माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे? जो रिवर गंगा है, ठीक है, का ओरिजिन मेनली दो रिवर के मिलने से. वो दो रिवर क्या है? एक स्मॉल वाटर बॉडीज वाला रिवर, फॉर एग्जाम्पल जो भागीरथी रिवर है. भागीरथी रिवर कहां से ओरिजिनेट कर रहा बेटा? भागीरथी रिवर जो है वो आपको ओरिजिनेट कर रहा है गंगोत्री ग्लेशियर से. सिमिलरली जो अलकनंदा है, अलकनंदा ये क्या है? एक रिवर है जो कि और जिसका सोर्स कहां पे है? सतोपंत ग्लेशियर. सतोपंत ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर एंड गंगोत्री इज द सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर. और क्या होता है, जब आप देव प्रयाग में आ जाओ तो भागीरथी और अलकनंदा रिवर आके क्या होता है? मिलता है और वहां से गंगा का निर्माण करता है. ठीक है, मतलब जो भागीरथी का छोटा सा वाटर बॉडीज था और जो अलकनंदा रिवर का जो वाटर बॉडी था, दोनों मिलके ये क्या? एक स्मॉल स्ट्रीम है. ये दो स्मॉल स्ट्रीम मिलके क्या किया? एक बिग वाटर बॉडीज, एक बिग वाटर बॉडी का फ्लो का निर्माण किया. और वो वाटर बॉडी का फ्लो क्या कहलाया? गंगा कहलाया. ठीक है, कहां से? फ्रॉम देव प्रयाग से. ठीक है, तो यही रिवर क्या करता है? फ्लो करते हुए बड़ा वाटर बॉडी क्या करता है? फ्लो करते हुए या तो लास्ट में किसी लेक में या पॉन्ड्स में या किसी ओशन या सी में जाके टर्मिनेट कर जाता है. फॉर एग्जांपल गंगा क्या करता है बेटा? बे ऑफ बंगाल में जाके टर्मिनेट कर जाता है. ठीक है, तो वही यहां पर क्या कहा गया है? स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल भागीरथी
एंड अलकनंदा डेट फ्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन. वन ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर डेट इज कॉल्ड भागीरथी एंड द अदर ओरिजिनेट फ्रॉम द सतोपंत ग्लेशियर डेट इज कॉल्ड अलकनंदा रिवर. दीज आर द टू स्मॉल स्ट्रीम्स ओके एंड दीज टू फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन कम्स टूगेदर टू फॉर्म मेन रिवर एट द प्लेस कॉल्ड देव परियार. दीज टू रिवर्स कम्स एंड फॉर्म द मेन रिवर. द नेम ऑफ दिस मेन रिवर इज गंगा. ठीक है. व्हिच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और सी और एन ओशन. दीज वाटर बॉडीज लार्ज वाटर बॉडी ड्रेन एंड टर्मिनेट इनटू ए लेक और ए सी और एन ओशन. फॉर एग्जाम्पल गंगा आफ्टर द देव प्रयाग बिकम्स ए बिग वाटर बॉडीज एंड ड्रेन्स द वाटर एंड इट विल टर्मिनेट इन टू द सी एंड दैट सी इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल. क्या होता है बेटा बे ऑफ बंगाल में जाके टर्मिनेट कर जाता है. ठीक है. ठीक है. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्रेनेज विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वी विल कम्स टू नो अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. ओके एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट लेक्स द इम्पोर्टेंस द रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो विल कम्स टू नो अबाउट द पॉपुलेशन. ओके द रिवर पॉपुलेशन. ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स बिफोर नोइंग अबाउट ड्रेनेज बेसिन व्हाट आई से बिफोर नोइंग अबाउट ड्रेनेज बेसिन वी मस्ट नो अबाउट ए टर्म कॉल्ड ड्रेनेज लाइन. व्हाट इज इट कॉल्ड ड्रेनेज लाइन. ठीक है. ड्रेनेज बेसिन को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ना होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ड्रेनेज लाइन बोलते हैं. बेटा ये ड्रेनेज लाइन होता क्या है सिंपली एक चीज ध्यान में देना कि ड्रेनेज लाइन जो है जो ड्रेनेज लाइन है बेटा वो क्या है सपोज करो जो एक फ्लो है किसका लाइन ऑफ फ्लो है वाटर बॉडीज का. क्या है एक लाइन ऑफ फ्लो है वाटर बॉडीज का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ड्रेनेज लाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको ड्रेनेज लाइन बोलते हैं. किसको ड्रेनेज लाइन बोलते हैं जब एक लाइन हो. ठीक है. एक लाइन हो किसका वाटर ड्रेनेज का. ठीक है. जहां पे का वाटर का फ्लो हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रेनेज लाइन बोलते हैं. ठीक है. और यही बहुत सारे ड्रेनेज लाइन कंबाइन करके ड्रेनेज नेटवर्क या ड्रेनेज पैटर्न को जन्म देता है. ठीक है. क्या बनता है बेटा ड्रेनेज पैटर्न या ड्रेनेज नेटवर्क. ठीक है. क्या बनता है बेटा जो ड्रेनेज लाइन होता है बहुत सारे ड्रेनेज लाइन एक साथ कंबाइन करके क्या बनाता है वो एक ड्रेनेज पैटर्न बनाता है और उसी ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रेनेज नेटवर्क बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ये क्या है ड्रेनेज लाइन है. ठीक है. इसमें क्या हो रहा रिवर है जहां पे वाटर का फ्लो हो रहा है. ठीक है. अब क्या हो रहा बेटा देखो यहां से देखो एक अलग ये क्या है एक डिफरेंट ड्रेनेज लाइन है. इधर से क्या हो एक और ड्रेनेज लाइन है. फिर इधर से भी एक ड्रेनेज लाइन है. फिर यहां से भी एक ड्रेनेज लाइन है. ये सब क्या किया जब हम लोग बहुत सारे ड्रेनेज लाइन को कंबाइन कर देंगे तो एक ड्रेनेज नेटवर्क का फॉर्मेशन होगा. ये क्या हुआ ड्रेनेज नेटवर्क का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है. यही ड्रेनेज का नेटवर्क का फॉर्मेशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं. क्या बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं.
ड्रेनेज पैटर्न इज नथिंग बट ए नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम और ए नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज लाइन, ठीक है. एंड व्हाट इज ड्रेनेज लाइन्स? ए सिंगल फ्लो ऑफ वाटर बॉडीज दैट ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज लाइन, ठीक है. ये क्या एक ड्रेनेज लाइन भी होगा, ये भी होगा, सब एक क्या इंडिपेंडेंट ड्रेनेज लाइन है. जब बहुत सारे ड्रेनेज लाइन एक साथ कंबाइन करके एक ड्रेनेज नेटवर्क को फॉर्म करता है, दैट ड्रेनेज नेटवर्क इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है. और जिस एरिया पे ड्रेनेज पैटर्न का क्या हो, फैलाव हो, इफेक्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है. ड्रेनेज बेसिन क्या है? एरिया है, एरिया है. किस चीज का एरिया बेटा? ड्रेनेज पैटर्न का. ड्रेनेज पैटर्न का. और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज लाइन, ठीक है. सबसे देखो, सबसे पहले समझो कि ड्रेनेज लाइन क्या होता है. अगर किसी एक सिंगल वाटर बॉडी को लो जिसमें क्या फ्लो ऑफ वाटर हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रेनेज लाइन बोलेंगे. जब क्या होते हैं, बहुत सारे ड्रेनेज लाइन एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं और एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं, दैट नेटवर्क इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न. और जिस एरिया में क्या हो, इस ड्रेनेज पैटर्न का फैलाव हो, क्या हो, जिस एरिया में, मानो ये क्या है, ड्रेनेज लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, ड्रेनेज लाइन है, ये सब मिला के क्या बना दिया? एक ड्रेनेज पैटर्न बना दिया. मींस ये क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज लाइन है, ठीक है. अब जिस एरिया में क्या होगा बेटा, जिस एरिया में फैलाव होगा किस चीज का, ये जो एरिया होगा जहां पे इस ड्रेनेज पैटर्न का इफेक्ट होगा, इस सारे एरिया का हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है. यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या. द एरिया ड्रेन बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम. व्हेन वी टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज लाइन. ठीक है, क्या बोला? द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम. जब हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं? रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं. जब हम लोग रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज नेटवर्क. सिस्टम मीन्स क्या हुआ? ड्रेनेज नेटवर्क. ड्रेनेज नेटवर्क मीन्स द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम मीन्स ड्रेनेज नेटवर्क. रिवर सिस्टम मीन्स क्या होगा? इसमें क्या हुआ, रिवर सिस्टम जो ड्रेनेज नेटवर्क है, ये क्या ड्रेनेज लाइन है? व्हाट इज दिस? ड्रेनेज लाइन क्या बेटा? ये ड्रेनेज लाइन है. मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेन रिवर भी बोल सकते हैं, में रिवर, ठीक है. अब क्या होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, इस मेन रिवर में बहुत सारे छोटे छोटे रिवर आते मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक ये आके मिल गया इस रिवर में, यहां से ये आके मिल गया, फिर यहां से ये आके मिल गया, और इस तरह से, ठीक है. तो क्या है, ये एक सिंगल रिवर का क्या है, ये पूरे सिस्टम में नेटवर्क है. क्या है? सिंगल मेन रिवर का एक पूरे नेटवर्क है, और उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं. ये क्या है? ड्रेनेज लाइन का नेटवर्क है, जो कि मेन रिवर क्या है, एक ये मेन रिवर है, सिंगल रिवर सिस्टम है. ये क्या पूरे सिंगल रिवर सिस्टम है ना? तो याद रखना, जब भी हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज नेटवर्क ऑफ ए सिंगल रिवर सिस्टम, रिवर, ओके. और जब भी ड्रेनेज नेटवर्क की बात करो, क्या था वहां पे, बहुत सारे ड्रेनेज लाइन कंबाइन करके ड्रेनेज नेटवर्क को फॉर्म करता है. वही ड्रेनेज नेटवर्क क्या कराता है? ड्रेनेज पैटर्न कराता है, ठीक है. और
जो एरिया उस ड्रेनेज नेटवर्क या ड्रेनेज पैटर्न के द्वारा कवर किया जाए, क्या किया जाए, कवर किया जाए, दैट एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। नाउ ड्रेनेज लाइन, ड्रेनेज नेटवर्क या ड्रेनेज पैटर्न और ड्रेनेज बेसिन में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे रिवर गंगा है, गंगा क्या एक एक ड्रेनेज लाइन है, ठीक है। अब जब हम लोग सिर्फ गंगा रिवर की बात करेंगे, क्या एक ड्रेनेज लाइन है, जब हम लोग इसमें गंगा की सारी ट्रिब्यूटरी की बात करते हो, क्या करते हो बेटा, गंगा रिवर की सारी ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी की बात करते हो, ये सब क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरी की बात करते हो तो क्या हो जाता है, वो मिलके एक एक मेन रिवर सिस्टम फॉर्म करता है, ये क्या होता है, एक नेटवर्क फॉर्म होता है, और इसी नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज नेटवर्क, ठीक है। और याद रखना ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जो ड्रेनेज नेटवर्क या ड्रेनेज बेसिन के द्वारा क्या होता है, जो एरिया कवर किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बिहार में गंगा रिवर बनती है तो गंगा को दो पार्ट में डिवाइड, बिहार में गंगा रिवर फ्लो करती है और गंगा क्या करती है, बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ बिहार, दूसरे को बोलते हैं साउथ बिहार, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रिवर हैं जो कहीं और से आके गंगा में जाके मिल जाते हैं, तो हम लोग किस रिवर बेसिन के सिस्टम में आते हैं, हम लोग गंगा रिवर बेसिन के सिस्टम में आते हैं, ठीक है। मीन्स हमारा एरिया जो है वो कौन से रिवर से, रिवर के द्वारा अफेक्ट होता है, गंगा रिवर के द्वारा, इसलिए हम लोग कौन से जोन में है, गंगा रिवर बेसिन में, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड व्हिच सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन नोन एज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, कोई एक ऐसा अपलैंड, अपलैंड मीन्स क्या होता है, देखो जब भी हम लोग ज्योग्राफिकल के भाषा में बात करें, ज्योग्राफी के भाषा में बात करें, तो हमेशा याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे कि नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन का सी लेवल से हाइट कितना मीटर है बेटा, देखो उसी प्लेन को हम लोग नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, या प्लेन एरिया बोल सकते हैं, जिसका कि 110 मीटर से कम हाइट हो, क्या हो बेटा 150 मीटर से कम हाइट हो, ठीक है। अब माउंटेन, सबसे पहले प्लेटू, प्लेटू किसको बोलेंगे, जिसका की हाइट जो है 150 मीटर से लेके 600 मीटर तक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटू। मींस डेकन प्लेटू का हाइट कितना है, 150 से लेके 600 मीटर के बीच में होगा। एक इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन किसका है, तिब्बतन प्लेटू का, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू का मोर एंड मोर हाइट है, ठीक है। माउंटेन, माउंटेन किसको बोलते हैं, जिसका हाइट क्या हो 600 मीटर से ज्यादा हो, क्या बेटा 600 मीटर से ज्यादा हो, तो ये क्या कहलाता है, माउंटेन। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एनी माउंटेन, प्लेटू और एनी अपलैंड, अपलैंड, अपलैंड मीन्स माउंटेन, हिल्स, प्लेटू, दीज आर द अपलैंड्स। व्हेन एनी अपलैंड्स डिवाइड्स एनी वाटर बेसिन, एनी टू वाटर बेसिन, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड्स। ओके, व्हाट इज वाटर डिवाइड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एनी अपलैंड्स, अपलैंड्स मे बी माउंटेन्स, मे बी प्लेटू, मे बी हिल्स, ओके, एनी अपलैंड्स व्हेन सेपरेट्स टू वाटर बेसिन, व्हाट आई से, एनी अपलैंड when it separate two water bodies, that is called water divide, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, water divide बोलते हैं। जब कोई upland, upland क्या हो सकता है, या तो plateau हो सकता है या mountain हो सकता है,
या हील हो सकता है, ठीक है। जब कोई अपलैंड्स क्या करे, किसी दो वाटर बेसिन को सेपरेट कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, वाटर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया को पढ़ते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया से पढ़ने से पहले हमेशा नहीं, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिवर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बेटा, रिवर के बारे में देखेंगे। तो हमेशा याद रखना, इंडिया में जो है जितने भी रिवर है, इंडिया में जितने भी रिवर है, वो सारे रिवर को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। क्या किया गया बेटा, इंडिया के जितने भी रिवर है उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। और जो पहला क्लासिफिकेशन है, जो पहला क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, द हिमालयन रिवर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द हिमालयन रिवर, ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द हिमालयन रिवर। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। मींस ऑल द रिवर ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड द हिमालयन रिवर्स एंड द सेकेंड ग्रुप इज कॉल्ड द पेनिनसुलर रिवर्स। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर। What is that difference? We must know. Always remember that the Himalayan rivers originate from the Himalaya, and in the north of India there is a big mountain that is called Himalaya. भारत के उत्तरी दिशा में क्या है, हिमालया माउंटेन है, हिमालया पहाड़ है, ठीक है। और जो रिवर क्या करता हूं, जिसका ओरिजिन, जिसका सोर्स कहां से हो बेटा, हिमालय से हो, उसी रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर बोलते हैं। मींस हम लोग क्या जानते हैं, जब हम लोग माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे कि हिमालय जो है तीन भाग में बटा हुआ है। क्या है, हिमालय इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द अपर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड हिमाद्री, जो सबसे ऊपर वाला, सबसे हाइट वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं। मिडिल वाला पार्ट को हम शिवालिक बोलते हैं। जो सबसे लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ शिवालिक बोलते हैं। सबसे ऊपर हिमाद्री, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हिमाचल, और सबसे निचली पार्ट को शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो सबसे ऊपरी पार्ट है हिमाद्री है, वहां पे क्या पूरे हिमालय का कवर है, किससे, आइस से। पूरे हिमालय किससे कवर है, हिमाद्री पार्ट जो है हिमालय का, वो पूरे किससे कवर है बेटा, आइस से। जब कोई माउंटेन ऑन लार्ज स्केल आइस से कवर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। नहीं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट के कारण क्या होता है, वो ग्लेशियर मेल्ट करता है। क्या करता है, वो ग्लेशियर मेल्ट करता है। जब वहां पे ग्लेशियर मेल्ट करेगा क्या होगा, एक वाटर बॉडी का फ्लो होगा, तो वहां से ही क्या होता है, हिमालयन रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इसका सोर्स क्या होगा बेटा, इसका सोर्स क्या होगा, ग्लेशियर। क्या होगा, ग्लेशियर, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, माउंट कैलाश ग्लेशियर, चेमायुंडुंग ग्लेशियर, दीज आर द डिफरेंट ग्लेशियर फ्रॉम वेयर द रिवर ओरिजिनेट। व्हेन एनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, दैट रिवर इज कॉल्ड द हिमालयन रिवर। अब क्या हुआ, क्योंकि इसका सोर्स क्या है, ग्लेशियर है, इसलिए जो रिवर ओरिजिनेट करेगा हिमालय से, उसमें क्या होगा, सालों भर पानी रहेगा। क्या होगा बेटा, उसमें सालों भर पानी रहेगा, ठीक है। और वैसा रिवर जिसमें सालों भर पानी रहे उसको बोलते हैं पेरेनियल रिवर। क्या बोलते हैं, सदाबहार रिवर, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर, ठीक है। तो याद रखना, जो हिमालयन रिवर होगा वो क्या होगा, पेरेनियल रिवर होगा। क्या होगा, पेरेनियल रिवर होगा। व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ हिमालयन रिवर, हिमालयन रिवर का कुछ एग्जांपल क्या है, गंगा, गंगा इज द एग्जांपल ऑफ, गंगा इज द
एग्जाम्पल ऑफ हिमालय रिवर। क्यों? क्योंकि गंगा कहां से ऑरिजिनेट कर रहा है? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। और गंगा कहां से ऑरिजिनेट कर रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर से। दैट और गंगोत्री ग्लेशियर क्या है? पार्ट ऑफ हिमालय है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल यमुना। यमुना क्या है? यमुना क्या है? वो यमुनोत्री से ऑरिजिनेट कर रहा, और यमुनोत्री क्या है? एक पार्ट है हिमालय का, इसलिए यमुना भी क्या बेटा? हिमालयन ग्लेशियर है। सिमिलरली ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये भी क्या कर रहा? चेमायुंगटुंग ग्लेशियर। चेमायुंगटुंग ग्लेशियर नाम ऐसा सुनो, ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम चेमायुंगटुंग ग्लेशियर, और ये चेमायुंगटुंग ग्लेशियर क्या है? नियर मानसरोवर, और वहां से क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑरिजिनेट करता है। तो ये जो चेमायुंगटुंग ग्लेशियर है, ये भी क्या है? पार्ट है किसका? हिमालय का। तो ब्रह्मपुत्रा यहां पे क्या है? हिमालयन रिवर है। दीज आर द डिफरेंट हिमालयन रिवर्स अबाउट व्हिच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हमेशा याद रखना कि जो हिमालयन रिवर है उसकी विशेषता क्या है। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालयन रिवर जो है हमेशा इंडिया के हिमालय रिवर का हमेशा जितने भी हिमालय रिवर है वो इंडिया के ईस्ट पार्ट में जाके टर्मिनेट करता है। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी हिमालय रिवर है वो कहां पे टर्मिनेट करता है? बे ऑफ बंगाल में। कहां पे टर्मिनेट करता है? बे ऑफ बंगाल में। और जहां पे टर्मिनेट करता है वहां पे किस चीज का निर्माण करता है? डेल्टा का। किसका निर्माण करता है बेटा? डेल्टा का। तो याद रखना हिमालय रिवर क्या करता है? डेल्टा का निर्माण करता है। हिमालय रिवर क्या करता है? डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे गंगा डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुनोगा, सुंदरबन डेल्टा क्या है? गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा मिलकर फॉर्मेशन किया है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता होगा कि व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा होगा क्या? सिंपली रिमेंबर इट, डेल्टा इज ए ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। डेल्टा का शेप कैसा होता है बेटा? ट्रायंगुलर शेप होता है। डेल्टा का शेप कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। तो डेल्टा को डिफाइन कैसे करेंगे? द ट्रायंगुलर डिपोजिट मेड बाय रिवर, द ट्रायंगुलर डिपोजिट मेड बाय रिवर एट द माउथ ऑफ द रिवर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। क्या होता है? जब एक ट्रायंगुलर शेप का डिपोजिशन हो किसका? सिल्ट का। कहां पे? रिवर के माउथ पे, जहां पे रिवर टर्मिनेट करता हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा क्या होता है? वेरी फर्टाइल लैंड होता है। क्या होता है? वेरी फर्टाइल लैंड होता है। हमेशा याद रखना हिमालयन रिवर जितने भी हैं, ऑल द हिमालयन रिवर फॉर्म्स डेल्टा, ओके, ऑल द हिमालयन रिवर फॉर्म्स डेल्टा, ठीक है। अब देखो हमेशा याद रखना जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन क्या होता है? कैसे होता है? बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ सिल्ट। रिवर क्या करता है, कोई भी नदी क्या करता है? अपने साथ साथ छोटे मोटे टुकड़े पत्थर के, मिट्टी के, इरोजन करके अपने साथ बहा के लाती है। और यही सॉइल का, मिट्टी का, यही पत्थर, पेड़ पौधा, ये क्या करता है? जो डेल्टा माउथ है रिवर का वहां पे जाके सेटल कर जाता है। यही सेटल करते करते क्या करता है? एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, और उसी ट्रायंगुलर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो भी हिमालयन रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा का निर्माण करता है। और डेल्टा क्या होता है बेटा? वेरी फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। और एक चीज याद रख सकते हो कि डेल्टा कहां पे होगा? अब देखो सेडिमेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए? जो पानी है अस्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्बेंस होगा क्या वहां पे सेडिमेंटेशन होगा? नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना डेल्टा उसी रीजन में होगा जिसमें क्या हो? लो टाइड हो। क्या हो बेटा? लो टाइड हो। क्या हो? लो टाइड हो, ठीक है। तो हमेशा याद रखना डेल्टा कहां पे होगा? जहां, जिस जोन में,
जिस सी के जोन में या ओशन के जोन में क्या हो, एल ओ डब्ल्यू लो टाइड हो, ठीक है, वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पर ही डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या होगा वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आया। तो याद रखना डेल्टा होता क्या है, एक ट्रायंगुलर डिपोजिशन है कहां पे, ऑन द माउथ ऑफ द रिवर, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा कहां पे होगा, जहां पे लो टाइड होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा कैसे होता है, जो वाटर अपने साथ सॉइल को सेडिमेंटेशन को साथ बहा के लाती है उसी का क्या होता, डिपोजिशन होता, सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन कैसे होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्या होता है, ग्रेविटी के एक्शन के कारण क्या होता है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, और सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, अस्थिर जल में होता है, अगर उसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा क्या वहां पे सेडिमेंटेशन नहीं होगा, डिस्टर्बेंस क्या करता है बेटा, डिस्टर्बेंस क्या करता है, इरोजन करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जहां पे जिस जोन में डेल्टा होगा उस जोन में क्या होगा, लो टाइड जोन होगा, क्या होगा बेटा, लो टाइड जोन होगा, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ गए इसके बारे में, हिमालयन रिवर के सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो हिमालयन रिवर क्या हुआ, सबसे पहले उसका सोर्स क्या होगा, हिमालय से, हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, वो कहां से ओरिजिन करेगा हिमालयन रिवर, फ्रॉम द हिमालय, नहीं, अब हिमालयन रिवर में जो वाटर का जो बहाव होता है क्यों होता है, बिकॉज ग्लेशियर के मेल्टिंग से, और हमेशा क्या होता है हिमालय में, हिमाद्री में चले वहां हमेशा क्या होता है, आइस होता है, ग्लेशियर होता है, वही क्या करता है, मेल्ट करता है, और उसी के मेल्ट का होता है हमेशा पानी रहता है, किसमें, हिमालय रिवर में, इसलिए हिमालय रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं, हिमालय रिवर इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें सालों भर पानी होता है, सालों भर पानी क्यों होता है, क्योंकि उसका ऑरिजिन कहां से होता है, ग्लेशियर से होता है, कौन से ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर से, ठीक है। अब देखो जब इसके माउथ पे हिमालय रिवर क्या करता है, फ्लो करा के लाता है, और अपने माउथ पे एक ट्रायंगुलर शेप को फॉर्म करता है, और उस ट्रायंगुलर शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो हिमालय रिवर क्या करता है, हमेशा एक डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, और डेल्टा क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा किस जोन में क्रिएट होगा, जहां पे लो टाइड होगा, क्योंकि लो टाइड होगा तभी तो वहां पे सेडिमेंटेशन हो सकता है, अगर हाई टाइड हो क्या होगा, इरोजन होगा, सेडिमेंटेशन नहीं होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कहां पे होगा बेटा, ऑलवेज डेल्टा का फॉर्मेशन होगा लो टाइड के जोन में। और इंडिया का जो मैप देखोगे यहां पे, इसका जो ये वाला क्षेत्र है ईस्टर्न पार्ट, बे ऑफ बंगाल का जो कोस्टल एरिया है ईस्टर्न कोस्टल, वो कहां, वहां पे क्या होता है, लो टाइड होता है, लो टाइड होता है, इसलिए यहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आफ्टर हिमालय रिवर हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। सबसे पहले देखो पेनिनसुलर रिवर से पढ़ने से पहले वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला होता क्या है, ठीक है। हमेशा देखना जब कोई इंडिया के साउदर्न पार्ट हो, जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। और पेनिनसुला होता क्या है, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड, एक वैसा पीस ऑफ लैंड जिसके तीन साइड से क्या हो, वाटर से घिरा हो, उसी वैसे लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का साउदर्न मोस्ट पार्ट कुछ ऐसा है, इधर क्या अरेबियन सी, इधर क्या इंडियन ओशन, इधर क्या बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो देखो ये जो पीस ऑफ लैंड है क्या है, अपने तीनों साइड से वाटर बॉडी से सराउंडेड है, दैट मींस ये पार्ट क्या कहलाएगा, पेनिनसुला कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जो पेनिनसुलर रिवर है उसका क्या है, अब पेनिनसुलर रिवर क्या प्लेटू क्या है, प्लेटू है, नहीं, अब मैंने क्या बताया, जो प्लेटू होते हैं, जो प्लेटू होते हैं इसका हाइट कितना होता है, इसका हाइट वैसा लैंड सरफेस या वैसा अपलैंड, वैसा अपलैंड जिसका हाइट कितना बेटा, जिसका हाइट 150 मीटर टू 600 मीटर के बीच में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं,
इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन सा? तिब्बतन प्लेटो, जिसका हाइट क्या है 600 मीटर से भी ज्यादा है। लेकिन जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट में जो प्लेटो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। और इस डेक्कन प्लेटो का हाइट कितना है? 152-600 मीटर। तो इसी क्षेत्र में क्या होता है, बहुत सारे हाईलैंड्स हैं, बहुत सारे हिल हैं, वहां से क्या होता है, बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट करता है। जैसे अमरकंटक हिल, अमरकंटक हिल से क्या होता है, वहां से ही आपको नर्मदा रिवर ओरिजिनेट करता है, सोन रिवर ओरिजिनेट करता है। तो ये सब कैसा रिवर है, जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जो अपलैंड है वहां से ओरिजिनेट करता है। तो वैसे रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, द पेनिनसुलर रिवर। क्या बोलते हैं? द पेनिनसुलर रिवर। अब उसका हाइट कितना हो सकता है, जो जहां से वो ओरिजिनेट कर रहा है उसका हाइट कितना हो सकता है, 150 मीटर टू 600 मीटर। तो क्या उस एरिया में ग्लेशियर होगा? नहीं, वहां पे क्या होगा, ग्लेशियर नहीं होगा। तो सोर्स ऑफ वाटर के लिए जो भी पेनिनसुलर रिवर होंगे, जो भी पेनिनसुलर रिवर होंगे उसको किस पे डिपेंड होगा, रेन पे। किस पे डिपेंड होगा, रेन पे। जब रेनी सीजन होगा तो पेनिनसुलर रिवर में क्या होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। क्या क्या होगा बेटा, जब भी रेनी सीजन हो या मानसून हो तब क्या होगा, जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। कब? रेनी सीजन में क्या होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। क्या होगा बेटा, जब रेनी सीजन होगा तो क्या होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ठीक है, अगर रेनी सीजन ना हो क्या होगा, वाटर क्या होगा, उसमें सूख भी सकता है। तो जिस वाटर क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीजन में हाई अमाउंट ऑफ वाटर हो और एक पर्टिकुलर सीजन में वाटर हो ही नहीं, क्या उसको सदाबहार रिवर या पेरेनियल रिवर बोलेंगे? नहीं, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन पेरेनियल रिवर। क्या बोलेंगे, नॉन पेरेनियल रिवर। क्यों? क्योंकि उसका जो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, रेन है। क्या उसका सोर्स ऑफ वाटर, पेनिनसुलर रिवर के सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेन है। उसको अपने वाटर के वॉल्यूम के लिए रेन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। दैट्स व्हाई पेनिनसुलर रिवर इज नोन एज नॉन पेरेनियल रिवर, बट हिमालयन रिवर इज नोन एज पेरेनियल रिवर। ठीक है, समझ में आया? जैसे नर्मदा है, गोदावरी है, ताप्ती है, सोन है, ये सब क्या बेटा, दीज आर डिफरेंट पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हिमालयन रिवर है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने साथ सेडिमेंटेशन लाता है, सेडिमेंट्स लाता है। उस सेडिमेंट का क्या, सेडिमेंटेशन होता है कहां पे, ऑन द माउथ ऑफ द रिवर। और ऑन द माउथ ऑफ रिवर में क्या करता था, एक इस शेप को फॉर्म करता था, इसको हम क्या बोलते थे, डेल्टा। ठीक है, क्या बोलते थे, डेल्टा। लेकिन याद रखना जो पेनिनसुलर रिवर होगा वो डेल्टा प्लस एस्चुरी का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, डेल्टा प्लस एस्चुरी का फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्म करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा का। ये किसका फॉर्म, जो पेनिनसुलर रिवर है वो किसका फॉर्म करेगा, डेल्टा, डेल्टा प्लस एस्चुरी को। क्या फॉर्म करेगा, डेल्टा प्लस एस्चुरी को, एस्चुरी। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, डेल्टा को तो समझ लिया, डेल्टा क्या होता है, जो पेनिनसुलर रिवर है वो डेल्टा भी फॉर्म करेगा, एस्चुरी भी फॉर्म करेगा। लेकिन जो हिमालयन रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, डेल्टा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज एस्चुरी, एस्चुरी होता क्या है। सिंपली ऑलवेज रिमेंबर दैट एस्चुरी इज द साफ एज माउथ ऑफ रिवर। व्हाट इज एस्चुरी, इज द साफ एज माउथ ऑफ द रिवर, डिवाइड डिवाइड ऑफ एनी डिपोजिट इज नोन एज एस्चुरी। Estuary is the south edge of river. Estuary is the south edge mouth of the river, devoid of any deposition. That is estuary. क्या हो? एक वैसा रिवर का पार्ट
क्या हो, जहां पे बहुत तेज से फ्लो करता हुआ क्या हो, वाटर जाए, ठीक है, और क्या हो उसमें डिपोजिशन ही ना हो। जब डिपोजिशन ही नहीं हुआ क्या डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। तो एक्चुअली का डेफिनेशन लिखो, द शार्क एज, द शार्क एज लिखिए, द शार्क एज, द शार्क एज माउथ ऑफ, द शार्क एज माउथ ऑफ रिवर डिवाइड डिवाइड ऑफ एनी डिपोजिशन, एनी डिपोजिशन डिवाइड ऑफ एनी डिपोजिशन, ठीक है, इज नोन एज एस्चुरी। व्हाट इज एस्चुरी? द शार्क इज माउथ ऑफ रिवर डिवाइड ऑफ एनी डिपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एस्चुरी। मतलब क्या होगा, वहां पे डिपोजिशन होगा ही नहीं। और डिपोजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पेनिनसुलर रिवर है, जो पेनिनसुलर रिवर है वो कहां फ्लो करता है, रिफ्ट वैली में। कहां फ्लो करता है बेटा, रिफ्ट वैली में। और जो भी पेनिनसुलर रिवर है इसका जो माउथ है, इसका जो माउथ है वो कहां, किस जोन में लाइक करता, हाई टाइड जोन में। इसलिए क्या होता, डिपोजिशन ही नहीं होता। जब डिपोजिशन ही नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एस्चुरी बोलते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो पेनिनसुला रिवर है वो किसका निर्माण करते हैं, एस्चुरी का। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा एंड ताप्ती, ये क्या करता है, अपने वाटर को फ्लो करके रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली में फ्लो करते हुए, जब कोई भी चीज रिफ्ट वैली में फ्लो करेगा क्या हुआ, उसके पास सेडिमेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इरोजन नहीं हुआ। जब इरोजन ही नहीं हुआ उसके पास क्या सेडिमेंटरी पार्टिकल्स होंगे, नहीं होंगे। जब उसके पास सेडिमेंटरी पार्टिकल्स ही नहीं होंगे फिर वो डिपोजिशन किस चीज का करेगा। तो इसलिए जो पेनिनसुला रिवर होते हैं, जो अपने जिसका माउथ अरेबियन सी में लाई करता है, वहां पे क्या होता है, आपको डिपोजिशन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी का जो बेल्ट है वो क्या है, हाई टाइड जोन है। क्या है, हाई टाइड जोन है। हमेशा याद रखना, पेनिनसुला रिवर का जो माउथ है वो किस जोन में लाई करता है, हाई टाइड जोन में, ठीक है, जहां पे हाई टाइड का मतलब क्या, अधिक डिस्टर्बेंस है। तो अगर थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन लेके भी आए उसका भी डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था किसके बीच में, पेनिनसुला रिवर और हिमालयन रिवर के बीच में, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखोगे, जो हिमालयन रिवर होता है वो पेरिनियल रिवर होता है, जो पेनिनसुला रिवर होता है वो नॉन पेरिनियल रिवर होता है, ठीक है। जो हिमालयन रिवर होता है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है, जो पेनिनसुला रिवर होता है वो एस्चुरी का भी फॉर्मेशन कर सकता है, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करता है और डेल्टा का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो हिमालयन रिवर होता है उसका जो माउथ होता है वो लो टाइड जोन में होता है। क्या होता है बेटा, लो टाइड जोन में, ठीक है। और जो ये पेनिनसुला रिवर है इसका जो माउथ होता है वो हाई टाइड जोन में होता है, ठीक है। अब नोट्स में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, द हिमालयन रिवर, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। पेरिनियल मींस क्या होता है, जिसमें वाटर थ्रो आउट द ईयर हो, जिस रिवर में वाटर थ्रो आउट द ईयर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर। व्हिच मींस दे हैव वाटर थ्रो आउट द ईयर, ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो हिमालयन रिवर क्या होगा, पेरिनियल रिवर होगा, ठीक है। दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो फ्रॉम हाई, ठीक है। जो हिमालयन रिवर होता है उसको रेन से तो मिलती है, प्लस कहां से मिलती है, प्लस ग्लेशियर से भी मिलता है, स्नो से भी मिलता है। इसलिए क्या होता है, जो भी हिमालयन रिवर होता है
वो पेरेनियल इन नेचर होता है। टू मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन रिवर। क्या करता है वो ओरिजिनेट करता है कहां से ओरिजिनेट करता है बेटा? ओरिजिनेट कहां से करता है? ओरिजिनेट करता है आपको 1 मिनट वेट। देखो ये एक चार्ट बना के दिया हुआ, ठीक है एक मिनट रुको, थोड़ा स्मॉल हो जा रहा है। वन मिनट वेट करो बेटा, थोड़ा एडजस्ट करो, ठीक है। देखो दिख रहा है, देखो यहां पे अब क्या है, जो हिमालयन रिवर है और जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन दिया है, इस चीज को हमेशा याद रखो, ठीक है। पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल व्हिच मींस दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो मैक्सिमम पेरिनियल रिवर है, जो मैक्सिमम हिमालयन रिवर है वो क्या है, पेरिनियल इन नेचर है। पेरिनियल मींस वाटर उसमें क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर होगा। क्या हो बेटा, थ्रू आउट द ईयर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, द पेनिनसुलर रिवर, क्या बेटा, द पेनिनसुलर रिवर। और पेनिनसुलर रिवर की खासियत क्या है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर क्या है, वो सीजनल रिवर है। वो कैसा रिवर है, पेनिनसुलर रिवर सीजनल रिवर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर जो है सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर का जो सोर्स होता है, फॉर इन द केस ऑफ पेनिनसुलर रिवर क्या होता है, रेनफॉल होता है। लेकिन हिमालयन रिवर के लिए ग्लेशियर प्लस रेनफॉल क्या है, सोर्स है वाटर का, इसलिए जो हिमालयन रिवर होता है वो पेरिनियल रिवर होता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर क्या होता है, सीजनल रिवर होता है। एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होगा, उसमें वहां हाई अमाउंट ऑफ वाटर होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। इन रेनी सीजन क्या होगा, उसमें हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, लेकिन इन द समर सीजन क्या होगा, वाटर नहीं होगा उसमें, ठीक है। दिस रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो फ्रॉम द माउंटेन। द हिमालयन रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज मेल्टेड स्नो फ्रॉम द हाई माउंटेन। ऑन द अदर हैंड द पेनिनसुलर रिवर फ्लो ऑफ दिस रिवर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। क्या हो रहा है, जो पेनिनसुलर रिवर है उसका जो फ्लो है, उसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेनफॉल पे। द मेजर ऑफ हिमालयन रिवर द इंडस द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रीजन, ठीक है। ये सब क्या है, कुछ हिमालयन रिवर है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारे ऐसे हैं पेनिनसुलर रिवर, वो क्या करते हैं, वो ओरिजिनेट करते हैं कहां पे, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। जब इस मैप को देखोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। तो मोस्ट ऑफ दो जितने भी है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या है, पेनिनसुलर रिवर है। कहां से ओरिजिनेट करते हैं, वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। क्या होता है, जो हिमालयन रिवर होता है वो लॉन्ग कोर्स तक फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल जो गंगा है 2225 किलोमीटर तक फ्लो करता है इंडिया में,
लेकिन जो भी पेंशनर निर्भर है वो मुश्किल से 1500-1600 ऐसे ही फ्लो करता है, 700-800 मीटर किलोमीटर तक ही फ्लो होता है। ठीक है, मीन्स जो आपको पेंशनर निर्भर है उसका फ्लो कोर्स क्या कम है, कम लेंथ में फ्लो होता है। ठीक है, और एड कर सकते हो हिमालयन रिवर के माउथ में किसका फॉर्मेशन होता है, डेल्टा का। पेनिनसुलर रिवर के माउथ में किसका फॉर्मेशन होता है, डेल्टा एज वेल एज एस्चुरी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये था डिफरेंस किसके बीच में, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। अब देखो आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिमालयन रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, और हिमालयन रिवर सिस्टम में भी आज हम लोग क्या करेंगे, इंडस रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इंडस रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आज हम लोग, इंडस रिवर सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम को कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, सिंपल देखो, जो मेजर रिवर सिस्टम है हिमालय का उसमें क्या आता है, इंडस रिवर सिस्टम आता है। ठीक है, तो जब भी इंडस रिवर सिस्टम की बात करो सबसे पहले इसका फ्लो देखेंगे किस किस कंट्री में होता है, क्या देखेंगे किस किस कंट्री में इसका फ्लो होता है। सबसे पहले क्या होता है, चाइना। चाइना देखो, चाइना मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तिब्बत, तिब्बत क्या है, चाइना का पार्ट है। ठीक है, चाइना के कंट्रोल में, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस रिवर सिस्टम चाइना से फ्लो स्टार्ट होता है। आफ्टर चाइना क्या आता है, इंडिया। इंडिया के बाद क्या होता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में फ्लो करने के बाद जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका माउथ कहां पे लाई करता है, इंडस रिवर सिस्टम का माउथ अरेबियन सी में लाई करता है। कहां पे लाई करता है, अरेबियन सी में लाई करता है। ठीक है, देखो जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो इंडस रिवर, जो इंडस रिवर है, ठीक है, इसको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, संगे, संगे जाम बो, जंग ZANGBO, जंग बो। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो, मानो ये क्या है, इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो क्या होता है, एक रिवर है जिसका नाम है धर, क्या नाम है, धर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इस रिवर सिस्टम में क्या हो, इस रिवर में धर रिवर आके मिला हो, ठीक है, यहां के बाद से जो रिवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस। ठीक है, और इस रिवर को क्या बोलते हैं, संगे जाम्बो, क्या बोलते हैं, सिंजे जाम्बो, क्या बोलते हैं इसको, सिंजे जाम्बो। मीन्स जो जहां से ओरिजिन होती है, और इंडस रिवर का कहां से होता है ओरिजिन, मानसरोवर ग्लेशियर से। मानसरोवर ग्लेशियर में कौन सा ग्लेशियर है, चेमायुंडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, क्या है, चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, और किधर फ्लो होता है, वेस्ट की ओर। मानो ये क्या है, मानसरोवर है, चेमायुंडुंग ग्लेशियर है, इधर जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडस। और एक रिवर ये क्या है, तुआस, वेस्ट की ओर फ्लो हुआ। ठीक है, और यही चेमायुंडुंग ग्लेशियर से एक रिवर का फ्लो होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट की ओर होता है, ईस्ट की ओर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सिंगे जाम्बो, सिंजे जाम्बो, सिंजे जाम्बो, क्या होता है, एक रिवर जो चेमायुंडुंग ग्लेशियर से सिंजे जाम्बो नाम से ऑरिजिनेट करता है। किस नाम से ऑरिजिनेट करता है बेटा, सिंजे जाम्बो, सिंगे जाम्बो, जंगबो, सिंगे जंगबो। ठीक है, ये रिवर ऑरिजिनेट किया कहां से, तिब्बत से, मानसरोवर जोन से। ठीक है, चेमायुंडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक धर रिवर आके मिलता है, जिस पॉइंट से सिंगे जाम्बो रिवर में धर रिवर आके मिलता है, यहां के बाद जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। और इंडस रिवर सिस्टम चाइना, तिब्बत, चाइना के तिब्बत क्षेत्र में मिलता है, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में मिलता है, लेह
क्षेत्र में, ठीक है, और पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो अरेबियन सी में अपना वाटर को ड्रॉप कर देता है। कौन? इंडस रिवर सिस्टम। और जो इंडस रिवर है ये क्या है, बहुत से क्या है, छोटे छोटे रिवर से इसके क्या है, ट्रिब्यूटरी है। जो क्या करता, मानो ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें बहुत सारे रिवर क्या करता है, अपना वाटर इसमें लाके डालता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जैसे जैसे सोग नदी क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। चेनाब रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। झेलम रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है किसका, इंडस का। ब्यास, सतलुज, दिस ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, द इंडस रिवर सिस्टम, इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर, द लेंथ ऑफ इंडस रिवर सिस्टम इज 2900 किलोमीटर, ठीक है। क्या है, जो इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है, जो गंगा है, गंगा से भी बड़ा रिवर सिस्टम है, ठीक है। और जो इंडस रिवर सिस्टम है वो कितने लेंथ में है, 2900 किलोमीटर में फैला हुआ है। जो इंडस का लेंथ का है 2900 किलोमीटर है। कौन कौन से कंट्री में है, तिब्बत जो कि चाइना में, इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में, और पाकिस्तान में। उसके बाद कहां पे इंड करता है, अरेबियन सी में, ठीक है। द रिवर इंडस राइजेस इन तिब्बत नियर ए लेक कॉल्ड मानसरोवर। क्या है, जो ओरिजिन है, जो सोर्स है तिब्बत इंडस रिवर सिस्टम का, क्या है, तिब्बत में एक लेक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मानसरोवर। उसी के पास एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम क्या बेटा, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो इंडस रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। इट इंटर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर फ्रॉम, देखो जो ये रिवर है इंडस रिवर सिस्टम, इंडिया में इंटर करता है कहां पे, जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में। अभी लद्दाख क्या है, एक इंडिपेंडेंट, एक यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज है, ठीक है। तो इंडिया में किस डिस्ट्रिक्ट से इंडस नदी और इंटर करता है, तो हमेशा याद रखना कि वो किससे, वो इंटर करता है लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। अब देखो देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, उसमें कौन कौन ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ओके, तो अब देखते हैं इंडस को, ठीक है बेटा। देखो ये क्या है, हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। इस रिवर, यहां पे देखो रिवर सिस्टम को देखो, इसमें हम क्या करेंगे, जो भी इंडस रिवर है उसके अलग अलग ट्रिब्यूटरी को भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ब्रीफ में स्टडी करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम कहां से ओरिजिन। देखो ये देख रहे हो, यहां पे देख रहे हो, ये क्या बेटा इंडस रिवर, ये क्या इंडस रिवर है, ठीक है, ये क्या बेटा इंडस रिवर है, ठीक है, यही क्या है इंडस रिवर, ठीक है। यहां पे क्या अरेबियन सी, अरेबियन सी में क्या करता है, अपने वाटर को फ्लो करता है। ये जो ब्लैक कलर से देख रहे हो ये क्या इंडस रिवर सिस्टम है, और इसमें क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, इससे क्या है डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। फॉर एग्जांपल देखो जो ये रिवर का फ्लो हो रहा है, जब कोई रिवर इस साइड से आके इंडस में मिले तो उस रिवर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वेस्ट, ठीक है। इधर वाला को क्या बोलेंगे, ईस्ट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, वेस्ट। इधर को, इधर को क्या बोलेंगे, ईस्ट।
तो हम लोग देखो वेस्ट से सिर्फ एक ही नदी जो ट्यूबिट्री है इंडस का, उसका नाम है सोक रिवर। क्या नाम है? सोक रिवर। ठीक है, सिर्फ एक ही रिवर है जिसका नाम क्या बेटा? सोक रिवर, SHYOK सोक रिवर, जो क्या करता है वेस्ट से आके इंडस में मिलता है और सबसे पहला ट्रिब्यूटरी यही है सोक रिवर। ठीक है, क्या है? सोक रिवर है। ठीक है, अब सोक रिवर के बाद देखो यहां से देख रहे हो, इस रिवर को देख रहे हो, इसका नाम क्या होता है? झेलम। ये कौन सा रिवर है? झेलम। और यहां पे कौन सा रिवर है बेटा? यहां पे चेनाब। ये कौन सा रिवर है? चेनाब। ऊपर कौन सा है? झेलम। ये कौन सा है? झेलम। ये कौन सा है? चेनाब। ठीक है, तो याद रखना जो कि झेलम है वो बड़ी नाग स्प्रिंग से सोर्स है उसका। ठीक है, मींस जो बड़ी नाग स्प्रिंग है वहां से क्या है? झेलम रिवर ओरिजिनेट करता है। इफ समवन आस्क कि झेलम रिवर कहां से ओरिजिनेट करता है, इसका सोर्स क्या है, बड़ी नाग स्प्रिंग। ठीक है, जो झेलम रिवर है इसका सोर्स क्या है? बड़ी नाग स्प्रिंग। ठीक है, अब झेलम रिवर का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है? 725 किलोमीटर। इसका लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 725 किलोमीटर। ठीक है, झेलम रिवर, झेलम लिखा हुआ है JHELUM, झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर ओरिजिनेट कहां से करता है? सोर्स क्या है? बड़ी नाग स्प्रिंग। इसका लेंथ कितना है? 725 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो झेलम नदी है आगे फ्लो करता है और यहां देखो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर में जाके मिल जाता है और जिस पॉइंट को मिलता है, जिस पॉइंट को मिलता है उसको हम कहते हैं ट्राइमो। क्या बोलते हैं? ट्राइमो। इस पॉइंट का क्या नाम है बेटा? ट्राइमो। क्या नाम है इसका? ट्राइमो, डबल एम होगा। ठीक है, ट्राइमो। ठीक है, मतलब जो झेलम रिवर बड़ी नाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट करता हुआ 725 किलोमीटर लेंथ को कवर करते हुए क्या करता है? चेनाब रिवर में जाके मिल जाता है और जिस प्लेस पे झेलम रिवर चेनाब में मिलता है उसका क्या नाम है? ट्राइमो। क्या नाम हो जाएगा? ट्राइमो। ठीक है, समझ में आया? इस जगह क्या नाम बेटा? ट्राइमो। झेलम क्या किस रिवर में जाके मिलता है? चेनाब रिवर में। और जिस पॉइंट पे जाके मिलता है वो कौन सा जगह है? ट्राइमो। क्या कहा था? ट्राइमो। झेलम का ओरिजिनेट कहां से करता है? सोर्स क्या है? बड़ी नाग स्प्रिंग। इसका लेंथ क्या है झेलम का? 725 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो झेलम रिवर है इट फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द कोटवार बेसिन। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट झेलम रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या करता है झेलम रिवर? बाउंड्री बनाता है, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झेलम रिवर क्या करता है? बाउंड्री बनाता है। ठीक है, समझ में आया? किस रीजन में? कोतवार बेसिन में। किस रीजन में बेटा? कोतवार बेसिन में। तो अभी तक हम लोगों ने झेलम रिवर के बारे में क्या पढ़ा? सबसे पहले सोर्स देखा, झेलम रिवर का सोर्स क्या है? बड़ी नाग स्प्रिंग। झेलम, उसके बाद लेंथ देखा, झेलम रिवर का लेंथ कितना? 725 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद झेलम रिवर जो है क्या करता है? एक बाउंड्री बनाता है। किसके बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। किस रीजन में? कोतवार बेसिन में। किस रीजन में बेटा? कोतवार बेसिन में। उसके बाद झेलम रिवर क्या करता है? चेनाब रिवर में जाके, चेनाब रिवर में जाके मिल जाता है और जिस जगह पे मिलता है उसका क्या नाम है बेटा? ट्राइमो। क्या नाम है? ट्राइमो। ये क्या है? झेलम रिवर के बारे में है। ठीक है, अब देखो जो झेलम रिवर है उसका ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम, ओल्ड नेम झेलम रिवर का है बतिस्ता। क्या है? बतिस्ता, BITASTA, बतिस्ता। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ झेलम? द
द ओल्ड नेम ऑफ विर्जिलम इज बतिस्ता, VITASTA, ठीक है। झिलमिल का ओल्ड नाम क्या है? बतिस्ता। वो कहां से ओरिजिनेट करता, सोर्स क्या है? बड़ी नाग स्प्रिंग। लेंथ क्या है? 725 किलोमीटर, ठीक है। और क्या करता है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पोतवार बेसिन में एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, झेलम रिवर जो है वो आपको चेनाब रिवर में जाके मिल जाता है। किस जगह पे मिलता है? ट्राइबू जगह पे। ये ज्यादा चेनाब रिवर के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे चेनाब रिवर का ओल्डेस्ट नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बतिस्ता, ठीक है। अब चेनाब रिवर को पढ़ लिए, सॉरी झेलम रिवर का ओल्डेस्ट नाम क्या है? बतिस्ता, VITASTA, बतिस्ता इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द झेलम रिवर, ओके। एंड द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज बड़ी नाग स्प्रिंग। द लेंथ ऑफ झेलम रिवर इज 725 किलोमीटर, ओके। एंड झेलम रिवर्स मेक ए बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान इन द पोतवार बेसिन, ओके। द प्लेस वेयर द झेलम रिवर मीट्स विद चेनाब रिवर इज नोन ट्राइमू, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, चेनाब रिवर के बारे में। ये सब पॉइंट को आप अपने कॉपी पे लिख लेना झेलम के बारे में। सबसे पहले लिखना सोर्स, सोर्स क्या है झेलम का? बड़ी नाग स्प्रिंग। उसके बाद लिखना ओल्ड नेम, क्या नाम है? बतिस्ता। देन लिखना लेंथ, लेंथ क्या है? 725 किलोमीटर। फिर एक नोट करके लिखना कि झेलम रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द पोतवार बेसिन रीजन, ओके। उसके बाद लिखना झेलम रिवर मीट्स चेनाब रिवर और कौन सा प्लेस होगा? ट्राइमू, ठीक है। इतना करने के बाद आप झेलम झेलम रिवर के बारे में इससे अधिक नहीं जानना। देखो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए एक ही याद रखना, बड़ी नाग नाग कैसे होता है? इस तरह से होता है ना। और जे का भी सिर्फ कैसा होता है? इस तरह से। इसी का अपोजिट कर दो, क्या होगा? नाग का सिर्फ ले लेता है। इसलिए याद इसी करके याद रखना, ठीक है। अब देखो झेलम रिवर के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? चेनाब रिवर को, ठीक है। सबसे पहले जानो कि चेनाब रिवर का ओल्डेस्ट नाम क्या है? अस्कनी। क्या नाम है? अस्कनी। क्या देखो यहां पे मैप में देखते हैं, ये क्या है? चेनाब रिवर है। ये क्या बेटा? चेनाब रिवर है, है ना, है ना। ये चेनाब रिवर यहां तक हुआ चेनाब रिवर। अब देखो चेनाब रिवर का ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट नेम क्या बेटा? अस्कनी। क्या है? अस्कनी। अस्कनी क्या है? अस्कनी इज द ओल्डेस्ट रिवर नेम ऑफ चेनाब रिवर। चेनाब का स्पेलिंग क्या? CHENAB। चेनाब रिवर ओल्डेस्ट नाम क्या है इसका? अस्कनी, ठीक है। और ये इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है बारालाचा पास। क्या है सोर्स? सोर्स मींस क्या होता है? जहां से वो रिवर ओरिजिनेट करता है। और सोर्स क्या है? बारालाचा पास इधर सोर्स ऑफ चेनाब रिवर, ठीक है। और चेनाब रिवर का लेंथ क्या है? लेंथ इसका है 960 किलोमीटर। क्या लेंथ है इसका? 960 किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो चेनाब रिवर क्या करता है, चेनाब रिवर क्या करता है, ये आगे चलते हुए ये देख लो चेनाब रिवर है, इधर से एक रिवर आती है जिसका नाम क्या बेटा? ये देखो सतलुज, ठीक है। चेनाब रिवर क्या करता है? सतलुज में जाके मिल जाता है। और जिस जगह पे वो सतलुज में मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंचनार। क्या बोलते हैं बेटा? पंचनार, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने क्या बोला? द ओल्डेस्ट नेम ऑफ चेनाब इज अस्कनी, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ चेनाब रिवर इज
12 लच्छा पास, ठीक है। आपने जो the length of चिनाब रिवर इज 960 किलोमीटर, how much नहीं 960 किलोमीटर, ओके। अब देखो जो चिनाब रिवर है वो किस रिवर में जाके मिलता है, सतलुज में, कौन से जगह पे, पंचनाद में, कौन से जगह पे, पंचनाद में, ठीक है। लेकिन याद रखना झेलम रिवर ये था, ये चिनाब में किस जगह पर मिला था, इस तरफ से, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, ट्राइमो, TRIMU, ट्राइमो। ट्राइमो कौन सा प्लेस है जहां पे झेलम चिनाब में आके, चिनाब रिवर में आके मिल जाता हो, ठीक है। और पंचनाद कौन सा जगह है, पंचनाद वो जगह है जहां पे चिनाब रिवर क्या करता हो, सतलुज में आके मिल जाता हो, ठीक है। झेलम का लेंथ क्या था, 725 किलोमीटर, लेकिन चिनाब रिवर का लेंथ क्या है, 960 किलोमीटर, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, अब एक चीज याद रखना, जैसे झेलम क्या करता था, एक बाउंड्री बनाता था किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कौन से रीजन में, ओतवार बेसिन के रीजन में। तो सतलुज की खासियत क्या है, सतलुज रिवर पासिस थ्रू पंजी वैली, कहां पास करता, पंजी, पासिस थ्रू पंजी वैली, और क्या करता है, पंजी वैली से कौन सा रिवर पास करता है, चिनाब रिवर, चिनाब रिवर कहां से पास करता है, पंजी वैली से, कहां से पास करता है, पंजी वैली से, और ये पीर पंजाल रेंज के पैरेलल फ्लो करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे इंडस का कौन सा ट्रिब्यूटरीज पीर पंजाल रेंज से पैरेलल फ्लो करता है, देन योर आंसर इज रिवर चिनाब, ठीक है। तो हम लोग ने भी चिनाब के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले चिनाब द ओल्डेस्ट नेम इज अस्करी, ओके, एंड द सोर्स ऑफ रिवर चिनाब इज बारालाचा पास, ठीक है। लेंथ ऑफ चिनाब इज 960 किलोमीटर, ओके। आफ्टर दैट चिनाब क्या करता है, चिनाब रिवर क्या करता है, सतलुज में जाके मिलता है, कौन से जगह पे, पंचनाद में, ठीक है। और जो चिनाब रिवर है वो पंजी वैली से पास होकर पास करता है, पंजी वैली से कौन से रिवर पास करते हैं, चिनाब रिवर, ये पंजी रिवर, PANGI, पंजी रिवर, पंजी वैली से कौन से रिवर पास करते हैं, चिनाब रिवर, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, और कौन सा ट्रिब्यूटरी है इंडस का जो क्या है, पैरेलल फ्लो करता है किसके, पीर पंजाल रेंज के, तो आपका आंसर क्या हुआ, चिनाब रिवर, ठीक है। ये सब क्या है, लिख लो इसको, ये पूरे जी हम लोग को चिनाब रिवर के बारे में पढ़ना था, ठीक है। किसी को दिक्कत, ये सब तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाओ, ये सब क्या है, एस्थेटिक जीके का पार्ट है जो कि आपको रिमेंबर करना होगा, ओल्डेस्ट नेम, लेंथ, सोर्स, कोई खासियत है, जैसे झेलम नदी का खासियत क्या था, ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पोतवार बेसिन में एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। चिनाब का खासियत क्या है, ये पंजी वैली से पास करता है, और खासियत क्या है, पैरेलल टू पीर पंजाल रेंज फॉलो करता है, ठीक है। किस पॉइंट पे जाके, किस रिवर से मिलता है, जैसे झेलम रिवर चिनाब रिवर में मिलता था ट्राइमू जगह पे, सिमिलरली जो चिनाब रिवर है वो सतलुज में जाके मिलता है, किस जगह पे मिलता है, पंचनाद में, ठीक है। ये पूरे हमको किसके बारे में पढ़ना था, चिनाब रिवर के बारे में। अब किसको देखेंगे, अब हम लोग रावी रिवर को देखेंगे, रावी रिवर को, ठीक है। तो रावी रिवर देखो मैप में, देखो जस्ट चिनाब के नीचे ये कौन सा रिवर बेटा, रावी रिवर है, ठीक है। ये कौन सा रिवर है, चिनाब रिवर, ये देख रहे हो, ये कौन सा रिवर है, चिनाब रिवर। तो देखो जो रावी रिवर है किसमें जाके मिलता है, चिनाब रिवर में। सबसे पहले क्या देखो, सोर्स क्या है, रावी रिवर का सोर्स क्या है, जो रावी रिवर है ये क्या है, रावी रिवर है, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है आपको रोहतास
रोहतांग प्लेस पासेस, रोहतांग पासेस, ठीक है। बारह नद जो रावी है, देखो झेलम का सोर्स क्या था, बनीनाग स्प्रिंग। चेनाब का सोर्स क्या था, बारालाचा पास। रावी का सोर्स क्या है, रोहतांग पास। क्या है, रोहतांग दर्रा पास। क्या है, एक नेचुरल, एक नेचुरली क्या है, एक रास्ता है। किसके लिए, जिससे रिवर का वाटर का फ्लो हो सके, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा रावी रिवर है, रावी रिवर का सोर्स क्या है, रोहतांग पास। क्या सोर्स है, रोहतांग पास, ठीक है। और रावी रिवर किस रिवर में जाके मिलता है, चेनाब रिवर में। ये कौन सा रिवर है बेटा, चेनाब रिवर है। इसी चेनाब रिवर में जाके रावी रिवर मिलता है। किस जगह पे मिलता है, रंगपुर। इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। तो याद रखना, रंगपुर में क्या होता है, जो रावी नदी है वो चेनाब में, चेनाब रिवर में जाके मिल जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका लेंथ क्या है, रावी नदी का लेंथ क्या बेटा, इसका लेंथ है 720 किलोमीटर। क्या बेटा, 720 किलोमीटर। झेलम नदी का लेंथ कितना था, 725 किलोमीटर। चेनाब का लेंथ कितना था, 960 किलोमीटर। रावी का लेंथ कितना है, 720 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग जब झेलम नदी को पढ़ रहे थे, इसका विशेषता क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, जो झेलम नदी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करता था। किस रीजन में, कोतवाल बेसिन रीजन में। चेनाब रिवर के बारे में पढ़े, इसकी विशेषता क्या है, ये पंजी वैली से पास करता है। और क्या विशेषता, पीर पंजाब रेंज के पैरेलल फ्लो करता है। कौन सा रिवर, चेनाब रिवर। सिमिलरली जो हमारा रावी नदी है, इसकी विशेषता क्या, जो रावी नदी है वो धौलाधर रेंज के होते हुए फ्लो करता है। कहां फ्लो करता है, इन द धौलाधर रेंज, फ्लो थ्रू द धौलाधर रेंज। तो रावी नदी क्या करता है, फ्लो थ्रू धौलाधर रेंज, ठीक है। क्या करता है, फ्लो थ्रू धौलाधर रेंज, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। तो रावी नदी के बारे में हम क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े सोर्स ऑफ रावी नदी, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रावी नदी, रोहतांग पास इज द सोर्स ऑफ रावी नदी। कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। लेंथ कितना है, 720 किलोमीटर, किसका, रावी नदी का, ठीक है। रावी नदी की विशेषता क्या है, रावी नदी रावी रिवर फ्लोज थ्रू धौलाधर रेंज। और जो रावी नदी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसनी। क्या बोलते हैं, इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है रावी नदी का, प्रोसनी, ठीक है। क्या नाम है इसका ओल्डेस्ट नेम, प्रोसनी, पी ए आर यू एस एन आर, प्रोसनी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो झेलम रिवर था इसका ओल्डेस्ट नाम क्या था बेटा, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ रिवर झेलम, इसका ओल्डेस्ट नाम क्या था, बिदिस्ता, ठीक है। चेनाब रिवर का ओल्डेस्ट नाम क्या था, इसका ओल्डेस्ट नाम था क्या था बेटा, ठीक है। उसके बाद अस्कनी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ चेनाब, और प्रूसनी इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ रिवर रावी, ठीक है। तो अभी तक हमने रावी नदी के बारे में क्या पढ़ा, सोर्स ऑफ रावी रिवर रोहतांग पास, लेंथ ऑफ रावी रिवर 720 किलोमीटर, ओल्डेस्ट नेम प्रोसनी, ठीक है। और चेनाब रावी नदी क्या कर रहा है, चेनाब रिवर में जाके मिल रहा है, कौन से प्लेस में, रंगपुर में। और इसकी विशेषता क्या है, इट फ्लोज थ्रू धौलाधर रेंज, ठीक है। अब जब हम लोग रावी नदी को पढ़ लिए, रावी नदी को पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ब्यास को। और याद रखना, जो ब्यास है वो क्या करता है बेटा, ब्यास इंडिया में ही फ्लो करता है। और ये क्या करता है, इंडिया में फ्लो करते हुए क्या करता है,
सतलुज रिवर में जाके ज्वाइन कर जाता है। ये देख रहे हो, इसी इसी रिवर को हम लोग बोलते हैं ब्यास रिवर। ये क्या है? ब्यास रिवर है, BEAS, ब्यास रिवर। इसका सोर्स क्या है? ब्यास रिवर का सोर्स क्या बेटा? ब्यास रिवर का सोर्स क्या है? रोहतांग पास। क्या है? रोहतांग पास। रोहतांगला पास, ठीक है। अब इसकी ओल्डेस्ट नेम क्या है? ओल्डेस्ट नाम क्या है? बिपासा। ओल्डेस्ट नेम क्या है? बिपासा। क्या बेटा? ओल्डेस्ट नाम क्या है इसका? बिपासा, ठीक है। लेंथ कितना है जो ब्यास का? लेंथ कितना है? ओनली 470 किलोमीटर। कितना लेंथ है? ओनली 470 किलोमीटर, ठीक है। और जो ब्यास है वो हरिके, ये क्या, ये देखो, ये सतलुज रिवर है, फ्लो करते हुए आ रही है। ये क्या बेटा? सतलुज रिवर है। और यहां पर देखो ये क्या है? ब्यास है। ये क्या? ब्यास रिवर है। ये क्या है? हरिके। हरिके एक प्लेस है, वहां पे क्या करता है? ब्यास सतलुज में जाके मिल जाता है। ब्यास क्या करता है? हरिके जगह में सतलुज में जाके मिल जाता है। तो ब्यास के बारे में हम लोग क्या पढ़ा? सोर्स क्या है ब्यास का? रोहतांगला पास, ठीक है। उसका ओल्ड नाम क्या है? बिपासा, ठीक है। लेंथ कितना है ब्यास का? 470 किलोमीटर, ठीक है। और ब्यास किस रिवर में जाके मिलता है? सतलुज में। कौन से जगह पे? हरिके में। और हरिके में क्या है? हरिके बैराज है, जहां से एक इंदिरा गांधी वाटर कैनाल निकाल के राजस्थान को एक इरिगेशन पर्पस से वाटर प्रदान की जाती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्यास के बारे में पढ़ा। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सतलुज के बारे में। ब्यास के बारे में क्या पढ़ा? सोर्स क्या है इसका? रोहतांगला पास। ओल्डेस्ट नाम क्या है ब्यास का? बिपासा। लेंथ कितना है? 470 किलोमीटर। कौन से नदी में मिलता है? सतलुज में। किस जगह पे मिलता है? हरिके में, ठीक है। इसके बाद अब देखो एक लास्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? सतलुज। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? सतलुज के बारे में, ठीक है। अब देखो जो सतलुज है इसका ओल्डेस्ट नाम क्या है? ओल्डेस्ट नाम क्या है? साप्ती। क्या नाम है? साप्ती। क्या नाम है? साप्ती। तो ओल्डेस्ट नेम ऑफ सतलुज इज साप्ती। और इसका लेंथ क्या है? 1500 किलोमीटर। क्या इसका लेंथ बेटा? 1500 किलोमीटर, ठीक है। और इसका लेंथ क्या है सतलुज रिवर का? 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो सतलुज रिवर है, ये सतलुज फ्लो कर रही है और यहां से क्या है? चिनाब आ रहा है। और पंचनाद में, ये कौन सा प्लेस था? पंचनाद, ठीक है। पंचनाद में क्या होता है? जो चिनाब है वो सतलुज में जाके मिल जाता है। और यही सतलुज रिवर आगे बढ़ता है और एक प्लेस है मिथानकोट। क्या नाम है बेटा? मिथानकोट। क्या नाम है? मिथानकोट। और मिथानकोट में क्या होता है? मिथानकोट में क्या होता है? ये जाके, ये देख रहे हो इंडस रिवर आ रही है, इंडस रिवर में जाके मिल जाता है। क्या करता है? इंडस रिवर में जाके मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या था? सतलुज के बारे में। सतलुज के बारे में क्या क्या जानना है? सबसे पहले क्या जानना? द ओल्डेस्ट नेम ऑफ सतलुज इज साप्ती रिवर। लेंथ कितना है? 1500 किलोमीटर। सोर्स क्या है? माउंट कैलाश। माउंट कैलाश इज द सोर्स ऑफ रिवर सतलुज, ठीक है। अब सतलुज क्या करता है? माउंट कैलाश से निकल के 1500 किलोमीटर लेंथ में फ्लो करता है। कितने लेंथ में? 1500 किलोमीटर में। अब देखो ये सतलुज रिवर में क्या होता है? ब्यास रिवर आके मिलता है। किस जगह पर मिलता है बेटा? हरिके में। इस जगह क्या बोलते हैं? हरिके। हरिके, हरिके में जाके क्या होता है? आके मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये सतलुज के नाम से आगे फ्लो करते हुए और इधर से क्या होता है? चेनाब रिवर आता है और पंचनाब में चेनाब रिवर किससे मिलता है? सतलुज से।
और फिर यह सतलुज के नाम से आगे बढ़ता है और मिथान कोट में सतलुज क्या करता है, इंडस रिवर के साथ मिल जाता है। और इंडस रिवर क्या करता है, पाकिस्तान में फ्लो करते हुए कराची में फ्लो करते हुए क्या करता है, अरेबियन सी में जाके फॉल कर देता है। ठीक है, अपने पानी को क्या करता है, अरेबियन सी में जाके फॉल कर देता है। ठीक है, इसमें और थोड़ा बहुत एक चीज के बारे में पढ़ सकते हो, तो पढ़ सकते हो, क्या था, ये सारे क्या ट्रिब्यूटरीज हैं किसके, इंडस रिवर के। ठीक है, और यही सब जिस एरिया में फैला हुआ है ये क्या कहलाएगा, इंडस रिवर बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, इंडस रिवर बेसिन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इंडस रिवर बेसिन कहलाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या देखना है, जो हम इंडस रिवर का माउथ कहां पे है, अरेबियन सी में, कहां पे है, अरेबियन सी में। तो याद रखना, जो सतलुज है इंडस में कहां पे मिलता, मिथान कोट में, कहां पे मिलता है, मिथान कोट में। ठीक है, ये पूरे क्या बेटा, एक बार अच्छे से देख लो, ये पूरे क्या इंडस रिवर सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या क्या पाए, इंडस रिवर के जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में स्टडी किए, क्या किए, उसके बारे में हम लोग स्टडी किए। ठीक है, समझ में आ रहा, किसी को इसमें कोई दिक्कत, ये पूरे क्या था, इंडस रिवर सिस्टम था। तो इसी को क्या करना, पॉइंट बाय पॉइंट लेके इसको रिमेंबर कर देना, क्या करना, पॉइंट बाय पॉइंट लेके इसको रिमेंबर कर देना। ठीक है, और ये इंडस रिवर सिस्टम किसका एग्जांपल है, हिमालयन रिवर सिस्टम का, किसका एग्जांपल है, हिमालयन रिवर सिस्टम का। ठीक है, तो इस इंडस रिवर में कितने ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, रावी एंड सोक रिवर, दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। अब 1960 में एक ट्रीटी हुआ, किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या हुआ, जो ऊपर के तीन रिवर है कौन कौन से, इंडस, झेलम, चेनाब, इस तीनों रिवर का, इंडस, झेलम, चेनाब, इस तीनों रिवर का 80% वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, और 20% वाटर कौन यूज करेगा, इंडिया। जो रेस्ट बचा तीन रिवर कौन, रावी, ब्यास, सतलुज, रावी, ब्यास, सतलुज, इस तीनों रिवर के इंडिया जो है 80% वाटर यूज करेगा और पाकिस्तान इसका 20% वाटर यूज करेगा। इसी को हम बोलते हैं इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। क्या बोलते हैं, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडस रिवर वाटर ट्रीटी इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटीज द अपर थ्री रिवर दैट इज इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, इसका वाटर 80% वाटर कौन यूज करेगा, पाकिस्तान, ओनली 20% कौन यूज करेगा, इंडिया। ठीक है, जो नीचे तीन रिवर है कौन कौन से है, रावी, ब्यास, सतलुज, इसका 80% यूज करेगा इंडिया और 20% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान। ठीक है, यही है इंडस रिवर ट्रीटी के बारे में, यही पूरे चीज हमको किसके बारे में पढ़ना था, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना था। ठीक है, आप क्या करोगे, जितना भी मैंने पढ़ाया, जब पढ़ाऊंगा, जब आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, क्या करेंगे, आप एक कॉपी पे नोट्स बनाएंगे और हर एक रिवर के बारे में मैंने जितना बात बताया हूं उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा। ओके, आगे जब क्लास में पढ़ेंगे इसी तरह हम क्या करेंगे, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जब हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग गंगा को पढ़ेंगे और गंगा के डिफरेंट ट्रिब्यूटरी को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय माय क्लास। ओके, आप घर पे जाके अच्छा से पढ़ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।